माशाल्लाह सब्जियां वगैरह फ्राई हो रही है। भाई साहब कहाँ से सीखा ये बात? पर गूगल पे, यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब। अच्छा सही हो गया। तो खैर आज हम दूसरे किचन में आ गए थे क्योंकि वो वाला जो किचन है हमारे रूम के बिल्कुल सामने, एक तो बहुत गंदा होता है इस टाइम। ये आ गई जी काली मिर्च ऊपर बेहतरीन सी करके। बोती नहीं होगी काली मिर्च है? सही है। चलिए आ गई काली मिर्च और इसके बाद क्या है, क्या रह गया? बस तैयार है। रेडी है इतनी जल्दी? फ्राइडे फ्राइडे को ये होता है कि हमारा सुबह सुबह कुछ ना कुछ कुछ सीन होता है मॉर्निंग में, कुछ स्पेशल बनाएंगे। तो आज ये कि लास्ट वीक भी हमने बनाया था लेकिन एग फ्राइड राइस, और आज भी बस हमने काम शुरू कर दिया है, पार्टी साफ शुरू है अपने काम पे। माशाल्लाह सब्जियां वगैरह फ्राई हो रही है। भाई साहब कहाँ से सीखा ये बात? पर गूगल पे, यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब। अच्छा सही हो गया। तो खैर आज हम दूसरे किचन में आ गए थे क्योंकि वो वाला जो किचन है हमारे रूम के बिल्कुल सामने, और एक तो बहुत गंदा होता है इस टाइम पे और वहाँ पर रश भी बहुत होता है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, और ये किचन है साफ सुथरा भी है और सुकून भी है यहाँ पर। तो अभी बस ये है कि फ्राइड राइस बन रहे और साथ साथ आपको भी खाएंगे। तो खैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम है आपका। अली साहब भी आ गए। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, आप हमारे ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी साहब भी ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम बड़ी साहब, क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक। आसिम साहब क्या हाल है? मुंह तो इधर कर ला आसिम, करते ही नहीं है वो। तो खैर अभी ये मेरा, मैंने जो अपने हिस्से का काम करना था वो मैंने कर दिया रात को ही, चावल बॉयल कर रहा था। अच्छा जी, और क्या डालोगे यार? मैं बता रहा हूँ, मैंने बना भी मैं रहा हूँ डालने यार, बता रहा हूँ जस्ट के रात को मैंने चावल बॉयल कर लिए थे कि सुबह इजी हो, जल्दी काम हो जाए, और अभी ऐड कर रहे हैं चावल, और आसिम साहब जो है अंडे शंडे बना रहे हैं, बड़े कोई मज़ेदार किस्म के अंडे। हाँ आसिम, ये आवाज़ कैसी आई है अभी? तो क्या यार सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठे ना, तो फिर एक तो ये है कि यहाँ पे एसी की वजह से एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से मेरी आंखों में पानी आ जा रहा है और नज़ला भी सुबह सुबह हो जाता है। तो खैर अभी कुछ खाएंगे, जब थोड़े चावल चावल अंदर जाएंगे तो फिर हो सकता है थोड़ा सही हो जाए। तो ये क्या ज़्यादा हो गया? तो फिर क्या करना है इनका? हाँ मटेरियल कम तो नहीं है? हाँ तो बताना था ना, मैं डबल ले लेता। आसिम कैसा अंडा बना रहा है देखना भट्टी साहब, न्यूज बाद में आएगी ना, उसके बाद हम जुदाई में जुदाई जुदाई बट्टी साहब की, बट्टी साहब की जुदाई। यार क्या हो गया? मैंने कुछ कहा? क्या कहा? जुदाई इधर तो मुंह करो ना, जरा खूबसूरत से नीचे ला दिया था। अच्छा आपको एक और खुशखबरी सुनानी है आज, बहुत बड़ी खुशखबरी है, सात वाले भाई की टिकट आ गई है। पार्टी 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 बनती है ना, बनती है ना पार्टी रात को भाई। मैंने इसको इतना कहा पार्टी पार्टी नहीं, सुबह चावल बना रहे हैं ना, मैंने तू बना रहे भाई, मैंने कहा भाई बिरयानी है, कोई बड़ा सीन चलेगा पार्टी पूरी। और टिकट आ चुकी है ऑलरेडी, ये नहीं अभी नहीं आई, आ चुकी है हाथ में, तो आज शाम को कोई सीन बनाओ भाई, या तो ग्रैंड मॉल चलते हैं वहाँ खाते हैं कुछ, या तो फिर भाई इधर कढ़ाई छड़ाई कोई बिरयानी वाला सीधा भाई, ये बख्शिश नहीं है, ये हाथ सूस के नहीं काम ऐसे खत्म होगा इसका, अभी होगा ऐसे कुछ भाई, तेरे हाथ में आ चुकी है, तेरे हाथ में आ चुकी है, मुझे पता चल गया। अच्छा भाई तू कसम खा ले, नहीं आई तेरे हाथ में? खा कसम, कसम है झूठा जया।
अच्छा भाई इसकी टिकट आ चुकी है, इतना कोई कंफ्यूज है यार, पार्टी नहीं देता तो जाहिर बात है छुट्टी जाना है, खुशी होती है बंदा पार्टी देता, कोई नहीं खैर आपकी फ्लाइट है। राइस हो चुके मिक्स और सब्जियों का खूबसूरत सा कलर आ रहा है, और उसने भाई पेटी अंडा खराब कर दी थी। ओ मैकी की तई इसको पका अच्छी तरह भाई आसिम, ये वो जैसे यार फ्राई करना था वैसे ही करना था यार, तूने क्या कर दिया इसका कचूमर बना दिया अंडे का। अच्छा अभी चेक करें आसिम अंडे का क्या हाल है। ये भाई माशाल्लाह जी, नमक शमक और इसमें काली मिर्च और धाड़ा मिर्च तीन चीज़ें हम डालते हैं और सब कुछ डाल के कलर बड़ा खूबसूरत सा आ गया, चेक करें आप। ओह हो मज़ा ही आ जाएगा। किधर जा रहा आसिम बड़ी सर, इसके साथ और कुछ है कुछ चाय शाय कोई सीन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो होगा इसके ऊपर कैचअप मायनीज डलेगी टेस्ट के लिए। ये आ गई जी काली मिर्च ऊपर बेहतरीन सी करके, बहुत ही नहीं होगी काली मिर्च है सही है। चलिए आ गई काली मिर्च और इसके बाद क्या है, क्या रह गया बस यार रेडी है इतनी जल्दी अच्छा जी इसमें ये है कि यार ज्यादा टाइम नहीं लगता और चावल बॉयल हुए तो वैसे ही ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए मैं रात को चावल बॉयल करके सोता हूँ। तो अभी बस ये है कि आधा पौना घंटा लगा है और हमारे रेडी है माशाल्लाह। अली उधर ही अपने रूम में, कहाँ जाना है उसने। आसिम साहब रेडी हो चुके हैं, चूल्हा बंद है। आप क्यों इधर चूल्हा चलाने के लिए आ गए हो, पहले नस गया सी हूँ इधर आ गए, चूल्हा बंद होया थे है। चावल चावल बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रेडी हो चुके हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अभी बस ये कि खाना है। कुछ बड़ा सारा ब्लॉग नहीं था यार, छोटा सा है, बस खाएंगे और साथ साथ आपको रिव्यू भी देंगे किस तरह के बने हमारे चावल। अच्छा यार सुबह सुबह के टाइम पे ये बड़ा मसला होता है कि यहाँ पे अकोमोडेशन में कि किसी ना किसी रूम में कोई ना कोई सोया होता है, अपने रूम में भी एक सोया हुआ है और अली के रूम में भी एक सोया हुआ है, फिर कहाँ जाए अपने सोया हुआ है, वो सोया हुआ है वो। हाँ हाँ अच्छा वहाँ भी हमारे दोस्त सोया हुआ रूम में, और खैर लेके चलते हैं अपने रूम में चावल चावल ये मैंने उठा लिए, बिस्मिल्लाह मज़ेदार सोया हुआ यार तुम्हारे रूम में। मज़ेदार लग रहे हो ठीक कह रहे उधर सोया हुआ यार। ओ थक गया वजनी हो गई। अच्छा भैया हम आ गए थे अली के रूम में, दोस्त है जो अली शर्मिला सा, तो ये डाल रहे हैं बड़ी साहब इस पर कैचअप बड़े ज़बरदस्त स्टाइल से, और ये है जी हमारे खूबसूरत से बड़ी साहब। उसके बाद ये आए आसिम साहब चमचिया लेके मोटे पेट वाले, और ये है हमारे अली साहब जो कि बड़े शर्मीले हैं, ये डाल रहे हैं मायनीज ऊपर, और सेम इसी तरह की उसकी लुक आ रही है जैसे कि पिज़्ज़ा बन गया आप चेक। हाँ जी आसिम साहब जी, तो अब शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह जी, अब शुरू करते हैं चावल और देखते हैं कैसा टेस्ट है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओए हो यार एक डिफरेंट ही टेस्ट है, जो मायनीज और ऊपर केचप डाली है ना उसकी वजह से टेस्ट बहुत मज़े का हो गया। और बड़ी साहब थैंक यू सो मच, बहुत मज़े का बनाया आपने, शुक्रन। एक और बाइट लेते हैं इसकी और थोड़ा सा और टेस्ट को फील करते हैं कि किस तरह का टेस्ट है। ओए होए होए ज़बरदस्त, आसिम साहब सुनाओ बेहतरीन है, ज़बरदस्त है जी। अलहमदिल्ला राइस वगैरह खा लिए थे और ये कि आपने देखा ही अंदर उसमें माइनस वगैरह और थोड़ी कैचअप ऐड की, तो उसकी वजह से ये कि टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया था, मगर अभी रूम में लड़के वगैरह सो गए इसलिए मैं हर बाहर आ गया था और एसी भी बहुत तेज़ चल रहा था। खैर छोटा सा व्लॉग था आप सबको दिखाने के लिए कि यहाँ किस तरह हम रहते हैं और क्या क्या करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई हो तो यार बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब क्लास भी कर दिया करें यार, और इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तो बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।